हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स भविष्य वक्ता। भविष्य वक्ता। हादसा कब किसके साथ हो जाए किसी को नहीं पता। अभी जो पल हंसी खुशी से गुजर रहा है उस पर हादसा कब सवार हो जाए कोई नहीं जानता। ओ नो, वह ट्रक पुल के डिवाइडर को तोड़कर मेरी तरफ पड़ रहा है। लगता है उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी है। मुझे अपनी गाड़ी को बचाना होगा। टक्कर हो ही गई। अब एक टक्कर और होनी थी। उसके शरीर की कठोर जमीन से और इसी टक्कर के साथ उसकी ज़िंदगी की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाली थी। लेकिन अचानक इस कहानी में आ गई एक रस्सी। वह रस्सी जिसके आगे अशोक का चिन्ह बना हुआ था और जिसे थाम रखा था तिरंगा के हाथों ने। इसकी चीख सुनकर मैं सही समय पर इस तक पहुंच गया, वरना एक्सीडेंट से बचने के बाद इतनी ऊपर से गिरकर इसकी गर्दन और सांसों की डोर का टूटना निश्चित था। लेकिन इसे बचाने के चक्कर में मैं इसे टक्कर मारने वाले ट्रक को न रोक पाया और न उसका नंबर नोट कर पाया। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तिरंगा। शुक्रिया अपनी उस चीख का करो जिसे सुनकर मैं यहाँ पहुँचा। वैसे बहुत ही भीषण एक्सीडेंट था ये। हाँ, और ये शायद मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन शायद मौत मेरी किस्मत में नहीं लिखी थी। तिरंगा ने राज इंडस्ट्री के मालिक राजेश मोहन को बचा लिया, लेकिन मेरी कही एक एक बात सच साबित हुई। मैंने उसका भविष्य बताया था कि उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी, ऐसा ही हुआ। अब तो तुम सबको मानना ही होगा कि मैं किसी के भी भविष्य में झांक सकता हूँ। अब तो तुम्हें कहना ही होगा कि मैं हूँ विश्व का सबसे बड़ा भविष्य वक्ता। मैं अभी भी नहीं मानता। मुझे अभी भी इस आदमी की सारी बातें बकवास लग रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये आदमी ही पागल है जो अपने आप को भविष्य वक्ता कहकर हमें उल्लू बना रहा है। अरे, राजेश मोहन के साथ जो हुआ वह एक संयोग हो सकता है। उसी संयोग का यह आदमी फायदा उठा रहा है और हम बिजनेसमैनों का टाइम खराब कर रहा है। बाहर निकालिए सही। गार्ड्स तुरंत ही उस तक पहुँचे। मिस्टर विशाल, मुझे इस तरह यहाँ से निकाल कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरी बात मानो, मुझे तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे भविष्य में झांक सकता हूँ। सावधान हो जाओ मिस्टर विशाल, तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हो। तुम पर एक ऐसी आफत टूटने जा रही है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आई डोंट केयर, मैं इन बेकार की बातों को नहीं मानता। पछताओगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। अपने आप को भविष्यवक्ता कहने वाले उस व्यक्ति को गार्ड्स वहाँ से खींच कर ले गए और तब हॉल में बैठे उन लोगों ने चैन की सांस ली। मेरी तो समझ में नहीं आता कि यह है कौन और हम बिजनेसमैनों के इस महत्वपूर्ण क्लब में घुस कैसे आया। इसकी एक दर्द भरी कहानी है। इसका नाम धनराज है। कभी शहर के टॉप बिजनेसमैनों में इसकी गिनती हुआ करती थी। कभी ये भी बिजनेसमैन क्लब का सदस्य हुआ करता था। अचानक धनराज का ध्यान बिजनेस से हटकर भविष्य जानने की विद्या में लग गया। उसमें ऐसा रमा कि उसका सारा बिजनेस चौपट हो गया। वह और उसका परिवार कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो गया। लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह ना माना। आज धनराज अपने आप को बहुत बड़ा भविष्य वक्ता मानता है और चूंकि वह समझता है कि हम बिजनेसमैन भविष्य को जानने के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, इसलिए वह हमें हमारा भविष्य बताने यहाँ आ जाता है। पुराने दिनों का लिहाज करके गार्ड धनराज को क्लब के अंदर आने देते। अब नहीं आने देंगे, मैं उन्हें सख्ती से मना कर दूंगा। बाय द वे, सॉरी जेंटलमैन, अब मैं चलता हूँ। एक केस के सिलसिले में अपने फार्म हाउस पर वकील सत्यप्रकाश के असिस्टेंट से मेरी मीटिंग है। कल फिर मिलेंगे। कल मिलने का वादा करके वहाँ से जाता विशाल गुप्ता क्या जानता था कि कल शायद ही आने वाला था। आज ही वह मुसीबत में फंसने जा रहा था और मुसीबत भी ऐसी जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ची, आओ, मुझ पर हमला करने वाले ये छोटे छोटे जानवर तो मांस खो रहे हैं। ये तो मेरा मांस नोचने की फिराक में है। मुझे इन्हें शूट करना होगा। विशाल गुप्ता ने गजब की फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर तो निकाली, लेकिन मांस खोर प्राणियों ने उसे रिवॉल्वर इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया। और अब विशाल गुप्ता को जिंदगी बचाने का भी मौका नहीं मिलने वाला था। निश्चय ही विशाल गुप्ता के शरीर पर मौजूद मांस के आखिरी कतरे तक को नोच डालने की फिराक में था मांस खोर जानवरों का वह झुंड। आई, और कुछ ही छड़ों में वह झुंड ऐसा कर भी डालता अगर वहां ना पहुंचा होता तिरंगा। मैं तो यहां भारत के रूप में विशाल गुप्ता से मिलने आया था, लेकिन मैंने दूर से इन मांस खोर जानवरों से घिरे देख लिया। ओह, इन जानवरों ने तो मुझ पर भी हमला करना शुरू कर दिया। मेरा भी मांस नोचने की फिराक में है ये, लेकिन मुझसे इन्हें मांस नहीं मार मिलेगी। ओ, मार खाकर तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए और इन्होंने मुझ पर दुगनी तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। अब तो अपने आप को इनसे बचाने का एक ही तरीका है, इन्हें ख़त्म करना। लेकिन इन्हें एक एक करके ख़त्म करने से बात नहीं बनेगी।
इन्हें तो इकट्ठा ख़त्म किया जाए तभी कुछ हो सकता है। नहीं, बहुत मुश्किल है ये काम, इन्हें एक साथ ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर खुद को और विशाल गुप्ता को उन मांसखोरों से बचाना है तो मुझे इस मुश्किल को आसान करना होगा। लेकिन कैसे? एक तरीका है, और उसके लिए मुझे पहले विशाल गुप्ता को अपने कंधों पर उठाना होगा और उसे लेकर उसकी कार में प्रवेश कर जाना होगा। लेकिन कार में घुसकर मेरा इरादा कार को लेकर यहाँ से भागने का नहीं, बल्कि यहाँ इंतज़ार करने का है कि वे मांसखोर हमारे पीछे खुले दरवाजे से कार में घुस जाएँ, और इसी के साथ मैं विशाल गुप्ता के साथ कार के उस दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ निकल जाऊँ, इधर का दरवाज़ा बंद करूँ और फिर अपनी सारी फुर्ती का इस्तेमाल करके कार का ये दरवाज़ा भी बंद करूँ जिससे सारे मांसखोर कार में घुस चुके हैं। ओह, वे तो कार के शीशे तोड़कर बाहर आने की फिराक में है, इसलिए अब मुझे वह काम करना होगा जिसे करने में मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, और वो काम था इस कार को आग के हवाले करने का। तिरंगा ने अपनी फ्लेयर को कार के पेट्रोल टैंक में डाल दिया। अगले ही पल कार धू धू करके जल उठी। अब कार के साथ ही वे मांसखोर भी जलकर राख हो जाएंगे। उन मांसखोरों को मारने के लिए मुझे तुम्हारी कार की भेंट चढ़ानी पड़ी, इसका मुझे खेद है मिस्टर विशाल गुप्ता। इसमें खेद की कोई बात नहीं तिरंगा, मैं बच गया ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि ये खतरनाक मांसखोर जानवर कहाँ से आए थे। ये फार्म हाउस जंगली इलाके में बना हुआ है, इसलिए हो सकता है ये जंगल से ही कहीं से आ गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हमले ने उसकी ये बात साबित कर दी कि मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटेगी। किसकी बात? किसने कहा तुमसे ऐसा? भविष्यवक्ता ने। उसने ही ऐसी भविष्यवाणी की थी, ठीक उसी तरह जैसे राजेश मोहन के लिए की गई भविष्यवाणी सच हुई थी, जिसे तुमने एक्सीडेंट में मरने से बचा लिया था। विस्फोट सा हुआ तिरंगा के मस्तिष्क में। दो स्थापित बिजनेसमैनों के लिए कोई भविष्यवाणी करता है और कुछ ही समय बाद वे भविष्यवाणियाँ सच साबित होती हैं, ऐसा भविष्यवक्ता तो कमाल है, और उसकी भविष्यवाणियाँ भी कमाल है। ऐसे भविष्यवक्ता से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या सोचने लगे तिरंगा? यही कि इस समय में तो मैं डॉक्टर के पास पहुँचाऊँ या फिर भविष्यवक्ता से जाकर मिलूँ। लेकिन मेरी तो यहाँ वकील सत्यप्रकाश के सहयोगी भारत से मीटिंग है, तुम्हारा डॉक्टर के पास पहुँचना उस मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी है, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। विशाल गुप्ता को डॉक्टर के पास छोड़ने के बाद तिरंगा उससे हासिल उस पते पर पहुँचा जहाँ मौजूद था भविष्यवक्ता। तो तुम हो वो भविष्यवक्ता? हाँ, मैं ही भविष्यवक्ता हूँ। मेरी भविष्यवाणियाँ सच होंगी भी क्यों नहीं, आखिर इसके लिए सालों रिसर्च किया मैंने, अपने कई कीमती साल धन दौलत ऐशो आराम न जाने क्या क्या खोया है मैंने, और अब अपनी खोई हर चीज़ को तुम एक झटके में हासिल कर लेना चाहते हो, और उसके लिए तुम पहले लोगों के लिए बारे में भविष्यवाणी करते हो और फिर उन्हें सच करने के लिए दुर्घटनाएं कराने का षड्यंत्र रचते हो, और ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद शहर के धन कुबेरों को आतंकित करके उनसे बेशुमार दौलत कमाना है। ये क्या बकवास कर रहा हो तुम? ये बकवास नहीं, सच्चाई है मिस्टर धनराज, और तुम्हें इस सच्चाई को कबूल करना होगा। ये बदतमीजी है तिरंगा, तो तुम मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हो उसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? किसी सबूत के बिना तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगा। इसकी बात में दम है, मुझे इसे छोड़ना ही होगा। फिलहाल तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन जल्दी तुम्हारे इस गिरेबान को फांसी पर लटकाने वाला सबूत साथ लेकर वापस लौटूंगा। तू वापस कभी नहीं लौटेगा तिरंगा, क्योंकि मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। जल्दी ही तेरी मुलाकात यमराज से होने वाली है, और वही यमराज तेरी ज़िंदगी को हर हाल में अपने साथ लेकर जाएगा। मुझे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से सावधान रहना, और साथ ही कोई ऐसा सबूत भी ढूंढना है जो उसकी गर्दन को फांसी के फंदे तक पहुँचा सके। लेकिन ऐसा सबूत मुझे मिलेगा कहाँ से? उसके लिए मुझे एक बार फिर विशाल गुप्ता के फार्म हाउस पर जाना होगा, क्योंकि वही मुझे वह मांसखोर जानवर मिलेगा जिसके झुंड ने विशाल गुप्ता पर हमला किया था। ये रहा, ये मेरी ढाल के वार से मरा था। मैंने तो दिल्ली शहर में ऐसे किसी जानवर को ना कभी देखा है और ना उसके बारे में कभी सुना है, इसलिए अब मुझे इसकी मदद से ये पता लगाना है कि ये जानवर कहाँ से आए थे, क्योंकि मुझे मरे हुए उस जानवर के सैंपल को लेकर जाना होगा नेशनल जियोलॉजिकल सेंटर। ऐसे किसी जानवर के दिल्ली में होने की कभी कोई सूचना नहीं है। ऐसे मांसखोर जानवर की प्रजातियाँ दिल्ली से बाहर पाई जाती हैं। ठहरो, मैं तुम्हें उस जगह का पक्का नाम बताता हूँ जहाँ ये मांसखोर जानवर पाया जाता है। ये रहा, असम। असम के जंगलों के दक्षिणी हिस्से में इस तरह के मांसखोर जानवर पाए जाते हैं, ये वहीं से आया है। इस बारे में तुम्हें और कुछ पूछना है? नहीं, वह जानवर असम में पाया जाता है। जानने के बाद मुझे अभी ये जानने के लिए बहुत पूछताछ करनी है कि वह मांसखोर जानवर असम से कैसे आए और किसने मंगाए। तिरंगा की मेहनत जल्दी ही रंग लाई। परसों ही हमने असम से आए एक मजबूत और सीलबंद कंटेनर को डिलीवर किया है। आपने जहाँ डिलीवरी दी है क्या मैं वहाँ का एड्रेस जान सकता हूँ? 17 राजपुर रोड। मैं जानता था यही एड्रेस निकलेगा। अब मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो भविष्यवक्ता की सारी पोल को खोल देगा, इसलिए मुझे तुरंत ही भविष्यवक्ता को गिरफ्तार करने पहुँचना होगा। ओह,
अब तुझे कहीं नहीं पहुंचना तिरंगा, तुझे यमलोक जाना है क्योंकि तुझे लेने आया है यमराज। यमराज? उफ, इसने मेरी गली में जो रस्सी फेंकी वह सचमुच मेरी जान ले लेगी, उससे छुटकारा पाना होगा। टना, मृत्यु पास से छूट गया तू, कोई बात नहीं, तेरे प्राणों को तेरे शरीर से निकालने के लिए मेरे पास और भी साधन है, और ये गदा उन्हीं साधनों में से एक है। उफ, अपने आप को यमराज कहने वाले इस आदमी का गदा घन की तरह मुझ पर बरस रहा है। मुझे इसकी गदा को इसके हाथों से छुड़ाना होगा, नहीं तो ये अपनी गदा से मार मार कर मेरा कचूमर निकाल देगा। ओ, तिरंगा जैसे ही वार करने यमराज तक पहुंचा, वैसे ही उसे लगा जैसे कोई हाई वोल्टेज का तार उसे छू गया हो। तड़प कर कई फुट दूर जा गिरा तिरंगा। उफ, यमराज के शरीर को छूने वालों का यही हाल होता है, कई तो मेरे शरीर को छूते ही भस्म हो गए। तू बच गया, देखिए भस्म तो तुझे होना ही है, मौत तो तुझे आनी ही है। इसके वार भी असाधारण है और ये खुद भी, मैं इसके पास भी नहीं भटक पा रहा, जबकि वह दूर से ही अपने वारों से मुझे घेर कर मार देने पर उतारू है। ऐसे में मुझे ये बात अपने दिमाग से निकालनी होगी कि ये कोई साधारण आदमी है, और ये बात अपने दिमाग में बिठानी होगी कि मेरा सामना साक्षात यमराज से है जो मेरे प्राण लेने आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस यमराज से अपने प्राण को बचा पाऊंगा। वैसे इसके साथ भविष्यवक्ता की मेरे बारे में की गई ये भविष्यवाणी तो सच हो गई कि मेरा सामना साक्षात यमराज से होगा, और अब थोड़ी ही देर में उसकी ये भविष्यवाणी सच हो जाएगी कि यमराज मेरे शरीर से प्राण निकाल लेगा। उफ, यार धनराज की भविष्यवाणी तुम्हारी मौत का कारण बन रही है तिरंगा, और इससे किसी को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जल्दी ये बात जंगल की आग की तरह हर जगह फैल जाएगी कि धनराज की भविष्यवाणी के कारण मेरे हाथों मारा गया तिरंगा। यमराज के वार के ठीक निशाने पर मौजूद तिरंगा के बचने का कोई प्रश्न नहीं था, और जल्दी तिरंगा मारा गया। हाँ, भविष्यवक्ता ने तिरंगा के मारने की भविष्यवाणी की थी, ठीक उसकी भविष्यवाणी के मुताबिक तिरंगा मारा गया। ओ, अब तक तो हम भविष्यवक्ता की बातों को बकवास समझते थे। तिरंगा के मरने की खबर ने भविष्यवक्ता पर साधारण आदमी का विश्वास भी कायम कर दिया, और धन कुबेरों का भी। तुम सबका मेरे पास आना साबित कर रहा है कि आखिर तुम सबको मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास हो ही गया। तिरंगा की मौत के बाद ही सही, तुम सबको मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास तो हुआ। अब सब ध्यान देकर मेरी ये भविष्यवाणी सुनो, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तुम सबके फायदे के लिए। आने वाले समय में तुम सब पर और तुम्हारे बिजनेसों पर एक भयानक संकट आने वाला है। तुम सब बर्बाद हो जाने वाले हो, तुम सबका बिजनेस तबाह होने वाला है, लेकिन तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका हल है। मैं भविष्य में जाकर साथ देख रहा हूँ कि मैं तुम सबको आने वाली बर्बादी से बचा सकता हूँ, तुम्हारे तबाह हो जाने वाले बिजनेस को सहारा दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, तो फिर ध्यान से सुनो, सभी अपना अपना रुपया बैंकों से निकाल कर मेरे पास जमा कर दो। मैं तुम्हारे उस रुपये की रक्षा करूँगा और उसे तब तक सुरक्षित रखूँगा जब तक तुम्हारे ऊपर से बुरा वक्त टल नहीं जाता। बोलो मंजूर है? हाँ। अगले ही दिन ही शहर के धन कुबेर की दौलत का ढेर लग गया भविष्यवक्ता के सामने। इतनी सारी दौलत, इतना सारा रुपया, यकीन नहीं होता ये सब मेरी भविष्यवाणी के कारण इकट्ठा हुआ। आपकी भविष्यवाणी के कारण डॉलर इकट्ठी हुई है, इसका यकीन करने की कोशिश करना भी बेकार है। ये मेरे इस दिमाग की बदौलत हुआ है पापा, जिसने आपके द्वारा दी जाने वाली बेहुदा भविष्यवाणियों को सच करने के लिए सैकड़ों तरीके अपनाए। फिर वो तरीका चाहे राजेश मोहन का एक्सीडेंट हो, विशाल गुप्ता पर मास्कोट जानवरों का हमला हो, या फिर तिरंगा के सामने यमदूत को भेजकर उसकी जान लेना हो। आपके भविष्यवाणी करने के शौक ने आपके दिमाग को खराब और आपके परिवार यानी हमें बर्बाद कर दिया। मम्मी सदमे को ना झेल सकी और भगवान को प्यारी हो गई। मैं उस समय बच्चा था इसलिए कुछ ना कर सका, लेकिन मैंने आपकी भविष्यवाणियों के बल पर ही वो सब पाने की ठान दी जो खोया था। ओ, इसलिए तूने मुझसे आने वाले समय में धन कुबेरों के तबाह होने वाली भविष्यवाणियाँ करवाई? हाँ, और उसका परिणाम है सामने ढेर के रूप में पड़ी ये दौलत। अब इसको लेकर मैं चंपत हो जाऊँगा। योजना तुम्हारी बहुत अच्छी थी मिस्टर जगराज, लेकिन जुर्म की नींव पर बनने वाली योजना की इमारत को एक दिन भरभरा कर गिरना ही पड़ता है। तिरंगा, तुम तो यमराज के हाथों मारे गए थे। अपने हाथों से खतरनाक लेजर गिरने छोड़कर उसने ऐसी कोशिश की तो थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि एन वक्त पर मेरे हाथों में एक मजबूत चमकीली स्टील की प्लेट आ गई। उस चमकीली स्टील की प्लेट ने यमराज द्वारा छोड़ी गई खतरनाक लेजर गिरनों को रिफ्लेक्ट कर दिया, और बेचारा यमराज संभलने से पहले ही ढेर हो गया। लेकिन ढेर होने से पहले यमराज ने जो कहा उसे सुनकर मेरा माथा ठनका। मैं धनराज को अब तक अपराधी समझता आया था। मुझे ये एक ऐसा मोहरा लगा जिसे इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसे इस्तेमाल कौन कर रहा था इस बारे में पता लगाना टेढ़ी खीर थी। इसलिए मैंने यमराज के हाथों अपने मरने की खबर फैलाई, और उसकी बदौलत एक ऐसे कलयुगी बेटे तक आ पहुंचा जिसने दौलत कमाने के लिए अपने विचित्र बाप को भी नहीं बख्शा।
ठीक समझा तो तिरंगा, लेकिन जरा सोच, जब दौलत के लिए मैं अपने बाप को नहीं बख सकता तो फिर तू क्या चीज़ है। तुझे तो मैं इस आफत से कुचलवा दूंगा। अपने बाप की किसी भविष्यवाणी को सच करने के लिए मैंने जिसे असम के जंगलों से मंगवाया। ओफ ओ, देखा भला की फूर्ती भरी हुई है इसके शरीर में, और इसका कारण इसके शरीर में बहते खून में मौजूद अत्यधिक गर्मी। ये अपने खून में मौजूद भयंकर गर्मी से हर समय विचलित रहता है और हमें हर समय उसे ठंडा करने के फिराक में रहता है। इसलिए ये अपने सामने आए शिकार पर ताबड़तोड़ हमला करता है, और इस हमले के पीछे इसका मकसद होता है अपने शिकार को फाड़कर उसके खून से स्नान करना, क्योंकि वह खून इसे गर्मी से राहत देता है। तुझे भी ये फाड़ेगा और तेरे खून से भी नहाएगा और अपनी गर्मी दूर करेगा। उफ, गर्मी से व्याकुल यह आफत तो मुझे संभलने का मौका ही नहीं दे रही। अगर मैंने जल्दी इसे ठिकाने लगाने के लिए कुछ नहीं सोचा तो ये मुझे फाड़ कर मेरे खून से नहा कर ही रहेगा। लेकिन इसे ठिकाने लगाऊं तो कैसे? एक रास्ता है, इसे अपने खून की गर्मी को ही ठंडा करना है ना, तो इसके लिए मेरे खून से नहाने की क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ से गुजरती इस पाइपलाइन को काट कर उसे पानी से नहला देने का इंतजाम क्यों नहीं कर देता? काट! पानी से पाइप से पानी की मोटी धार फूट कर उस आफत को भिगोने लगी, और अगले ही बार पानी से मिलने वाली आनंद में खो गया। तेरी आफत का इंतजाम हो गया, अब तेरी बारी है। जल्दी, तेरा खेल खत्म हुआ, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी पानी में मस्ती से नहाती उस आफत को संभालने के लिए चिड़ियाघर वालों को और तुझे संभालने के लिए पुलिस को बुलाना है। तिरंगा तुरंत ही अपने उन कामों को ख़त्म करने में जुट गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ के अगली कॉमिक्स आग बबूला में। तब तक के लिए धन्यवाद।